हेलो हेलो हेलो, हाय गाइड्स, आप देख रहे हैं ऑटो वाले अंकल चैनल से। आपको मैं एक ऐसी धमाकेदार खुशखबरी दूंगा, टाइगर श्रॉफ की जो है अभी अभी मैंने मूवी जो है देख के निकली, बहुत काबिले तारीफ है। और मूवी स्टार में ये मेरा जो है पहला इंटरव्यू है। और मैं आपको बता दूं कि एक टाइम था कि यहाँ पर खड़े रहने के लिए जगह नहीं मिलता था, पब्लिक नहीं है दोस्तों, लेकिन मूवी जो है बहुत खतरनाक और बहुत धमाकेदार है। मैं देख के आया दोस्त, मैं सोचा था ट्रेलर में जो देखा था कुछ मैं खामियाँ बोल दिया था, लेकिन दोस्तों ट्रेलर में अगर जो है मूवी के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, अगर वो मूवी के अंदर मतलब ट्रेलर के अंदर दिखाए होते तो कुछ लोग जो है अपने मतलब जो कुछ गलत बोले ट्रेलर के बारे में वो नहीं बोलते। मूवी बहुत फैंटास्टिक है, जो भी बोलो वेरी गुड, जो भी बोलो, मतलब इनको जितना भी तारीफ की जाए टाइगर श्रॉफ की कमी है। स्टार्टिंग में ही जो है जैसे लगा कि मैं ब्रूस ली मूवी देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना जो है मैं जब बोला था, जब स्टार्टिंग में पहली इसकी जो है पहली पार्ट आई थी तो मैं बोला था रेमबो, लेकिन आज जो है मैं तीन मूवी एक जगह पे देख के आया हूँ। स्टार्ट हुआ डायरेक्ट स्टार्ट हुआ तो ब्रूस ली, फिर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मुझे जेम्स बॉन्ड देखने को मिला, और फिर लास्ट में जो है रेमबो देखने को मिला। ऐसे मतलब बहुत ज़बरदस्त है, अहमद खान ने इतना ज़बरदस्त इसका डायरेक्शन किया है, मान उनको जितना भी बोला जाए काबिले तारीफ है। और जो है रितेश देशमुख जो है मानना पड़ेगा, उन्होंने क्या कॉमेडी किया है, जैसे लग रहा था कि जो है इतना अच्छा, मतलब वो जो है इतना मतलब है, दोनों जो है जब भी हो रोनी करके चिल्लाते हैं तो टाइगर श्रॉफ जो है तुरंत आ जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो है आप जो देख रहे हैं मतलब फाइट तो इतनी ज़बरदस्त है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो कि मैं देखा, मेरे भी अभी भी जो है रोंगटे खड़े हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे पॉइंट वाली बात है कि कुछ ज़्यादा ही लास्ट में जो है हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं अहमद खान ने, वो नहीं करना था। लॉजिक ये थोड़ी बात निकल जाती है, देखिए जो लॉजिक ढूंढने देते ऐसा नहीं है, लेकिन मूवी जो है बहुत ज़बरदस्त बनाई है। कुछ इसके अंदर डायलॉग है बहुत अच्छा लगा मुझे, कि अपने जो है टाइगर श्रॉफ जो है जब अपने भाई को मतलब लेके मतलब कुछ बहुत से ऐसे डायलॉग है ध्यान में नहीं आ रहे बहुत, सरहद पार कर देते हैं और जो है बोलते हैं अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं इस मतलब यहाँ पूरा नामो निशान मिटा दूँ, इस नक्शे से नामो निशान मिटा दूंगा, बहुत से डायलॉग है इसके अंदर। लेकिन दोस्त आप एक बार देखोगे, पूरी फैमिली के साथ आके देखोगे। श्रद्धा कपूर की अच्छा इसमें परफॉर्मेंस है, उसके साथ में एक नई हीरोइन है, उनका नाम नहीं आ रहा है लेकिन उनका भी अच्छा है, वो जो कि हाँ जो भी है मतलब दोस्तों ज़बरदस्त मूवी है। मैं यही बोलूँगा, सवेरे सवेरे मैं देख के आया, आप लोग अगर गोरेगांव में है तो मूवी स्टार में देखिए आकर के। यहाँ पे जो 4-5 शो चलते हैं, सवेरे से पहला फेस्ट शो है 8:20 पे था, मैंने देखा तो इसमें भी आइए, बहुत अच्छी थिएटर है सिनेमैक्स में जो है मूवीज स्टार में, बहुत अच्छे 4-5 ऊपर से लेके नीचे तक आपको AC से लेके सब कुछ मिलेंगे। दोस्तों मैं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस दोस्तों मैं यही बोलूँगा बागी 3, अब हम लोग यही बोलेंगे कि जो है अहमद खान जो है मतलब 4 जो है जैसे जेम्स बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं लगाए वैसे ये भी ब्रेक ना लगाएं, अब बागी 4 जो है लाने की कोशिश करें। और जो है जेकी श्रॉफ ने भी जो है दो झलकियां बताई, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं यही बोलूँगा, ये गाना जो है हमेशा मैं बोलता हूँ कि लास्ट में जो है गाना मत दीजिए, बीच में दीजिए, तो ये गाना दिए है वही हर एक मूवी में बोलता हूँ, तो ये ऐसा मत कीजिए। मूवी को जो है मैं 4 स्टार दूंगा और टाइगर श्रॉफ को जो है 5 स्टार दूंगा। दोस्तों ज़बरदस्त है और ये मूवी जो है कामयाब रहेगी और जो है ज़बरदस्त कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों अब मैं यहाँ से डायरेक्ट निकलूँगा, गेटी गैलेक्सी का मेरा टिकट है, वहाँ पे देखूँगा। कुछ डायलॉग जो मैं भूल गया हूँ वो मैं उसमें ज़रूर बोलूँगा, लेकिन एक डायलॉग जाते जाते मैं बोलूँगा, एक जो है आपस में एक बात करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी कमाल की औरत है, बोलते भाई ये कमाल की नहीं जमाल की औरत है। तो ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे डायलॉग है दोस्त, तो मैं यही बोलूँगा कि मैं चला गेटी गैलेक्सी, वहाँ पे टाइगर श्रॉफ आने वाले हैं, आप भी आने की कोशिश करें, टाइगर श्रॉफ की पूरी फैमिली देखने को मिलेगी। दोस्तों ऑटो वाले अंकल चैनल को जिस किसी ने भी सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो मैं यही चाहूँगा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और हमेशा जो है ऑटो वाले अंकल के साथ बने रहें। बाय।